टेलीविज़न दशकों से हमारे मनोरंजन का साधन रहा है, जिसने ना जाने कितने ही उतार चढ़ाव देखे हैं। हम सभी के बचपन में टेलीविज़न ने एक अहम छाप छोड़ी है, जिस पर ना जाने कितने ही फिल्में, कार्टून और सीरियल हम सब ने अपने बचपन में देखे हैं। आज हम आपको लेके चलेंगे टेलीविज़न के लंबे इतिहास के सफ़र पर। टेलीविज़न के आविष्कार का श्रेय जॉन लॉगी वेल्ड को जाता है, जिन्होंने 1924 में टेलीविज़न का आविष्कार किया। जॉन लॉगी एक स्कॉटिश इंजीनियर थे। जॉन लॉगी वेल्ड का जन्म 13 अगस्त 1888 में इंग्लैंड में हुआ था। उनको स्कूल से ही फोटोग्राफी का बहुत ज़्यादा शौक था और फिर वह बाद में स्कूल में ही फोटोग्राफी के अध्यक्ष बने। फिर उन्होंने बाद में फोटोग्राफी करते करते टेलीविज़न बनाने की सोची। फिर उन्होंने चाय का एक खाली डब्बा लिया और कबाड़ी के सामान से एक मोटर, जिसमें उन्होंने एक गोल चक्री लगा दी जिसमें बहुत सारे छेद थे। फिर उन्होंने एक बिस्किट के खाली डिब्बे में प्रोजेक्शन लेंस लगा दिया। कई महीने प्रयोग करने के बाद आखिरकार उन्हें सफलता मिल गई और 1925 में उन्होंने दुनिया का पहला टेलीविज़न बना लिया। फिर भी उनके परीक्षण चलते रहे और फिर 1930 में बीबीसी ने अपनी पहली दूरदर्शन सेवा चालू की। 1940 आते आते जॉन लॉगी ने पहली इलेक्ट्रॉनिक टीवी का आविष्कार कर लिया, जिसका नाम टेलीक्रोम रखा गया। जॉन लॉगी ने जितने भी टीवी बनाए वह सभी ब्लैक एंड वाइट थे और कुछ ही सालों बाद रंगीन टीवी का भी आविष्कार हो गया, जिसमें तस्वीरें रंगीन दिखाई देती थी। पहली रंगीन टीवी का आविष्कार अमेरिका में हुआ और पहला टीवी स्टेशन भी अमेरिका में ही लगा। भारत में पहला टीवी 1959 में आया था, जब दूरदर्शन का उद्घाटन हुआ था। पर उस समय भारत में टीवी इतना महंगा हुआ करता था कि उसे गरीब लोग खरीद ही नहीं पाते थे। 1980 के दशक में टीवी भारतीय बाजारों में आना शुरू हुआ, जिसे आम जनता भी खरीद सकती थी। 80 और 90 के दशक को भारत में संचार क्रांति का दौर माना जाता है। इसी दौर में टीवी भारत में आम हो गया और भारत के हर कोने में टीवी पहुंच गया, और 80 के दशक में ही दूरदर्शन को टीवी पे दिखाया जाने लग गया। भारत ने टेलीविज़न का एक लंबा दौर देखा है। आज भारत के लगभग हर घर में टीवी है, जो दशकों से हमारे संचार का साधन बनी हुई है।